बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ आयशा नवाज ऑफ योर बायोलॉजी टीचर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी टर्म से तो आप वेल नाउन थे कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। वैरायटी ऑफ लाइफ, ज़मीन के डिफरेंट हिस्सों के ऊपर ऑर्गेनिज्म का प्रेजेंट होना क्या कहलाता है? बायोडाइवर्सिटी वैरायटी होती है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट ज़मीन के हिस्सों पे प्रेजेंट होते हैं, उसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब इसको कंजर्व कैसे करना है, क्यों कंजर्व करना है, क्या ज़रूरत पड़ी कि हम इसको कंजर्व करें? हमारे पास जो एनिमल्स होते हैं बहुत बे इंतहा कीमती होते हैं, और उनको ज़ाया होने से, उनको ख़त्म होने से बचाने के लिए प्रिवेंशन करना, कंजर्वेशन करना कहलाता है। उसको हम क्या कहते हैं? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब ख़त्म होने से बचाने के लिए जो इक़दामात करें वो कंजर्वेशन कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्यों कंजर्वेशन हम करेंगे और ये क्यों हैं वो ख़त्म हो रहे हैं? कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं। स्पीशीज़ जो एक्सटिंक्ट होना, ऐसी एक्सटिंक्ट का मतलब ये होता है कि जो स्पीशीज़ होती हैं वो डे बाय डे अपनी जो है वो रिप्रोडक्शन ख़त्म, मतलब उनकी रिप्रोडक्शन तो हो रही है लेकिन वाया मैन इंटरफेरेंस, ह्यूमन बींग्स की इंटरफेरेंस की वजह से क्या होता है कि तो कंजर्वेशन में हम क्या देखते हैं कि एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ जो होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो नियर टू एक्सटिंक्ट, जो ख़त्म होने के करीब होती हैं, उनको हम एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ कहते हैं। और इनडेंजर स्पीशीज़ जो होती हैं वो नियर टू एक्सटिंक्ट हो, जिसका ख़तरा हो कि अब ये एक्सटिंक्ट होने जा रही हैं, तो इन स्पीशीज़ को हम पढ़ेंगे और उन स्पीशीज़ को कंजर्व करने के लिए कुछ इकदाम हम लेते हैं ताकि बायोडाइवर्सिटी कंजर्व कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास कौन से ऑर्गेनिज्म है जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं? हमारे पास लायन है, टाइगर है, हमारे पास इंडियन वाइल्ड एस है और स्वैम डियर है। ये सारे एनिमल्स क्या हैं? ये एक्सटिंक्ट एनिमल हैं जो कि ख़त्म होते जा रहे हैं, जिनकी रिप्रोडक्शन या जिनकी जो हमारे पास स्पीशीज़ हैं वो बहुत इक्का दुक्का रह चुकी हैं, और इनको कंजर्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ ज़रूरी जो हैं वो इकदाम लेने पड़ेंगे। सबसे पहले तो इसको इम्पेक्ट कौन करता है, इसका फर्स्ट आप कह लें कि आपके पास है ह्यूमन इम्पैक्ट होता है। किस तरह से इंसान जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं डी कंजर्वेशन में? ठीक है, सबसे पहले तो वो ये करते हैं कि डीफॉरेस्ट्रेशन करते हैं। तो आप देखें कि जब डीफॉरेस्ट्रेशन हो रही है, आपके पास फॉरेस्ट ही नहीं है, तो फॉरेस्ट में आपके पास मिलियन ट्रिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं जो कि फॉरेस्ट, एक फॉरेस्ट से बिलोंग करते हैं। तो जब आप फॉरेस्ट्रेशन ही नहीं रहने दे रहे, डीफॉरेस्ट्रेशन करते हैं, तो वो सारे ऑर्गेनिज्म तो डेफिनेटली ख़त्म हो जाएंगे। दूसरी बात ये कि ह्यूमन जो है, अगर आप देखें आज से करीबन 1500 साल पहले, तो और हमारे पास ह्यूमन बींग्स कितने थे? जस्ट 5 मिलियन। 1500 साल पहले इंसान का नंबर सिर्फ 5 मिलियन था। अगर आज की बात करें, अब की इन नाउ डेज, तो ह्यूमंस जो हैं वो 700 मिलियन हैं, जस्ट बिकॉज एग्रीकल्चर और उनके डिफरेंट सोर्सेज की बिना पर जिस तरह से लाइफ आसान हुई, उस तरह से क्या हुआ, ह्यूमन की पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज होती गई। अब उन्होंने क्या किया कि अपने आप को सर्वाइव करने के लिए डेफिनेटली वो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, हंटिंग करते हैं, डिफॉरेस्ट्रेशन करते हैं। डिफॉरेस्ट्रेशन करेंगे तो अपने लिए रहने की अब एक हैबिटेट बनाएंगे, और एनिमल्स को हंट करेंगे तो खुराक तैयार कर सके, मतलब अपनी खुराक ले सकते हैं। तो इनकी, ह्यूमन की इंटरफेरेंस की वजह से जो हमारे पास जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत डिस्टर्ब हो गई है। उसको मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कुछ ज़रूरी इकदाम लेने पड़ते हैं ताकि ह्यूमन अपनी सोर्स फूड जो है वो उसको भी कंज्यूम करे, और जो हमारे पास प्रीवियस जो हैं वो एनिमल्स हैं उनका नंबर भी डिक्रीज ना हो, वो भी हमारे पास एक्सटिंक्ट ना हो, क्योंकि यही तो हमारी जो कीमती असासे हैं, एनिमल्स जो हैं ये हमारे पास बहुत कीमती होते हैं। अगर हम बात करते हैं अल्टरनेटिवली, एक स्पीशी ख़त्म हो तो उससे क्या नुकसान होता है और क्या फ़ायदा हो सकता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बात करते हैं हम स्टार फिश की, तो स्टार फिश मॉसल्स के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी फूड मॉसल्स हैं। ठीक, अगर वो उसको खा रहा है, अगर हम स्टारफिश ख़त्म कर देते हैं, स्टारफिश ख़त्म होगी, वो जो उसे खा रहा है तो हमने उसको ख़त्म कर दिया। स्टारफिश एक सी से, एक्सपेरिमेंटली हमने एक सी से रिमूव कर दिए सारी स्टारफिश।
अब जो मॉसल्स थे उनकी फर्दर प्रे जो है वो लिटिल ऑर्गेनिजम्स हैं, लिटिल एनिमल्स हैं। तो जब स्टारफिश खत्म हो गई तो मॉसल्स ने क्या किया, बहुत ज्यादा प्रे करना स्टार्ट कर दिया, किसको, स्मॉल ऑर्गेनिज्म को, जिसकी वजह से जो सी में स्मॉल एनिमल्स थे उनकी तादाद बहुत ज़्यादा कम हो गई, नियर टू एक्सटिंक्ट हो गई। इसीलिए ये माना गया कि एक स्पीशी को ख़त्म करने से दूसरी स्पीशीज़ जो हैं वो ऑल्टरनेटिवली इंडेंजर्ड हो सकती हैं। दूसरी तरफ बात करते हैं हम ट्रीज़ की, ये तो एनिमल्स की बात थी, प्लांट्स की अगर बात करते हैं तो आप एग्जाम्पल लें एक यूकलिप्टस की, यूकलिप्टस ट्री है एक, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं कि सफ़ेदे का पौधा, तो इसे इंट्रोड्यूस करवाया गया था, इसे जो है वो परचेज करवाया गया था, कहाँ से, अमेरिका से करवाया जाता है, अमेरिका से ये मंगवाया जाता है और इसे इम्प्लांट किया जाता है, ठीक है। जब इसको इम्प्लांट किया जाता है तो इसका अब एक ड्रॉबैक ये है कि बहुत ज़्यादा पानी जो है वो कंज्यूम करता है, वाटर टेबल से पानी बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लेता है अपनी ग्रोथ के लिए, क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से ये पानी को क्या करता है, बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है। अब इसका ड्रॉबैक क्या हुआ, अब एक तो इसका फ़ायदा तो ये हो गया कि ये वाटर लेवल मेंटेन कर देता है, जहाँ पे पानी ज़्यादा होगा उसको ये क्या करेगा, मेंटेन करेगा, लेकिन इसका ड्रॉबैक ये होगा कि उसके पास, उसके नियरेस्ट जितने भी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होंगे, ये उनको क्या, सॉरी, छोटे छोटे जो हैं वो प्लांट्स ग्रो कर रहे होते हैं जो यूकलिप्टस के करीब तरीन हैं, तो उनको सबको क्या करेगा, पानी तो जाएगा ही नहीं, तो इससे क्या हो जाएंगे, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से लाइफ जो है वो कंजर्व नहीं होगी, उसको कंजर्व करने के लिए हमें डिफरेंट जो है वो स्टेप्स लेना होंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना। फर्दर लेक्चर में हम लोग कंजर्व करने के कुछ स्टेप्स पढ़ेंगे, किस किस तरह से हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।